तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड ऊ जेनेसिस। व्हाट इज दैट? ये मैंने पहले बताया था आपको कि गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊ जेनेसिस। ऊ जेनेसिस ये फीमेल्स के बॉडी में होता है और इसके थ्रू एक हैप्लॉइड गैमिट का फॉर्मेशन होता है ना, जिसको आप एग कहते हैं या ओवा कहते हैं या इसको ओवम भी कहा जाता है। और मैमल्स में, खास करके अगर आप देखें ह्यूमन बींग्स वगैरह में, अब देखो अलग अलग एनिमल्स में एग के जो नंबर्स हैं वो अलग अलग नंबर में आता है। कहीं ये नंबर बहुत ज़्यादा है, कहीं ये नंबर कम होता है, कहीं ये सिंगल एग रिलीज होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट एस्पेक्ट हैं ओजेनेसिस के। और जो कुछ सीजनल ब्रीडर्स हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस ब्रीडर्स हैं, कुछ कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स हैं एक्चुअली, तो सब में एक डिफरेंट मैकेनिज्म है किसका, ओजेनेसिस का। यहाँ मैं मेनली डिस्कस कर रहा हूँ मैमल्स में, खासकर ह्यूमन बींग्स में ओजेनेसिस का पूरा इवेंट क्या होता है ना। तो ओजेनेसिस के डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा बेसिकली आपको ओवरी के बारे में फिर से बता दूं कि ह्यूमन फीमेल्स में ओवरी एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो आलमोंड सेप्ट कहते हैं, और ये लोअर पेल्विक एरिया में है ना, यूट्रस के दोनों तरफ एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो पेल्विक वॉल से कई सारे लिगामेंट्स के थ्रू या यूट्रस के वॉल से अटैच रहता है। और अगर आप ब्रीफली अगर आप ओवरी का एक स्ट्रक्चर देखें, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि ओवरी के अंदर अगर आप ये देखो, ये मान लिया जाए ओवरी का स्ट्रक्चर है, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ओवरी का ये जो आउटर मोस्ट एक कवरिंग है ना, ये ओवरी का अपना ओवेरियन वॉल कह सकते हैं आप इसको, और ये एक जर्मिनल एपिथेलिया का पार्ट होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इसके अंदर एक फाइब्रस लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको ट्यूनिका एलुजिनिया कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम मैंने बताया था आपको, ये क्या है, इसको कहते हैं ट्यूनिका एलुजिनिया। और अब पूछा जाए अगर कि इसके बाहर का जो अटैचमेंट है, जैसे आप याद करो तो मैंने बताया था आपको कि इसके बाहर एक आउटर साइड में एक ब्रॉड लिगामेंट का स्ट्रक्चर होता है, इसमें चारों तरफ पेरिटोनियल फोल्ड भी कहते हैं इसको, जो ओवेरियन वॉल का पार्ट नहीं, मतलब ओवरी के वॉल का ये पार्ट नहीं है, ये आउटसाइड स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली, जो ओवरी को सपोर्ट करता है उसके अटैचमेंट को। और आप जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको मीजोवेरियम कहा जाता है एक्चुअली। ये पेरिटोनियल फोल्ड है जिसको क्या कहते हैं, इसको मीजोवेरियम कहा जाता है। तो मीजोवेरियम ओवेरियन वॉल का पार्ट नहीं होता, ये ओवरी का अटैचमेंट है, पेल्विक वॉल से ये अटैच्ड होता है, ये ओवरी के स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेट करता है, उसको स्टेबल करता है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम मीजो वेरियम है, ये एक तरह का पेरिटोनियल फोल्ड होता है ना। और आप जानते हैं कि ओवरी का ये पूरा पार्ट, बीच का ये पूरा पार्ट जो होता है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। और स्ट्रोमा के बीच में, मैंने बताया था स्ट्रोमा के अंदर
कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा ऐसे ही। और जैसे मैंने बताया था आपको कि इसमें ये जो बीच का पार्ट है इसको ओवेरियन मेडुला कहते हैं, और इसके इस बाहर वाले पार्ट को ओवेरियन कॉर्टेक्स कहा जाता ना। और इसी कॉर्टेक्स में थोड़ा सा देखो, एक तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी है। मेडुला रिलेटिवली एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट होता है, इसमें किसी तरह के फॉलिकल्स वगैरह नहीं होते। ये एक नीरो वैस्कुलर रिच एरिया होता है। कौन सा? ओवेरियन मेडुला। कॉर्टेक्स वाला पार्ट अगर देखेंगे आप, तो कॉर्टेक्स में आप देख पाओगे ऐसे अलग अलग स्टेज में आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह के ग्रोइंग फॉलिकल्स नजर आते हैं ऐसे। सबसे पहले बताया था आपको कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होता है ऐसा करिए। ये आप जो देख पा रहे हो कहाँ? कॉर्टेक्स में है ना, ये आप ओवेरियन कॉर्टेक्स में देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर। तो अगर एक फीमेल अपने बर्थ के बाद की अगर बात मैं करूँ है ना, बर्थ के बाद या फिर मैं प्यूबर्टी के बाद की बात करूँ, अगर मतलब एक फीमेल जब अपनी प्यूबर्टी में आ जाती है, तो आपको ये सभी तरह के स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर मेस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में नजर आ सकता है ओवरी के अंदर, जिसमें आप जानते हैं कि कुछ प्राइमरी फॉलिकल होता है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा यहाँ पर, इसका नाम मैंने लिखा प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद हमने एक और यहाँ नाम लिखा, देखिए इसका नाम हमने लिखा सेकेंडरी फॉलिकल, इसका नाम हमने लिखा टर्शरी फॉलिकल, इसका नाम हमने लिखा ग्रैबियन फॉलिकल, इसी को मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। इसके बाद ये स्ट्रक्चर कॉर्पस हेमरेजिकम कहा जाता है। इसके बाद आप जानते हैं कि एक नाम आता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। और इसके बाद आप देख पाएंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, तो जितने भी ये ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, यू नो, टर्सरी, ग्रैफियन, द कॉर्पस हेमरेजिकम, द कॉर्पस ल्यूटियम एंड द कॉर्पस एल्बिकन्स, ये सभी स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे जब फीमेल अपने मेस्ट्रुअल साइकिल पीरियड को स्टार्ट करती है। व्हेन अ फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी एंटर्स इन देयर, और वी कैन से जो आप प्यूबर्टी का जो एज है 11-12 साल फीमेल्स में आ जाता है, ये तो प्यूबर्टी के बाद ही ये सभी स्ट्रक्चर फीमेल के ओवरी में देखा जा सकता है ना। ये डिस्कस करेंगे, ये मेस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है बेसिकली। बट यहाँ मैं बता दूँ आपको कि अगर एक फीमेल अपने प्यूबर्टी के पहले वाले स्टेज में है, तो उस समय आप केवल देख पाएंगे प्राइमरी फॉलिकल, या एक और टर्म यूज करते हैं यहाँ पर, उसको प्राइमोडियल फॉलिकल भी कहते हैं, है ना। और प्यूबर्टी के पहले, अगर मैं बर्थ के पहले की बात करूं, तो बर्थ के पहले ओवरी के अंदर जो फॉलिकल नजर आता है उसे कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। मतलब ये है कि एक का बनना, उजेनेसिस का जो प्रोसेस है, ये फीमेल्स में बर्थ के पहले स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर एक फीमेल फिटस है जो मदर के यूट्रस में अभी ग्रो कर रही है, अगर वो, तो सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, मतलब सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से ही उजेनेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है ना।
और जितने भी फॉलिकल्स होते हैं एक्चुअली, जिसको आप बाद में कई तरह के फॉलिकल्स से नाम देख रहे हैं यहाँ पर आप, तो जो बेसिक फॉलिकल्स का जितना नंबर है, ये सभी फॉलिकल्स फीमेल्स के बॉडी में बर्थ के पहले बन जाता है। कहते हैं 2 to 7 month का पूरा टाइम है जिसमें सारे फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। बर्थ के बाद किसी भी नए फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं होता। याद रखिएगा कि जो भी फॉलिकल फीमेल्स के ओवरी में प्रेजेंट है, इसका फॉर्मेशन बर्थ के पहले कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फीमेल में उजेनेसिस स्टार्ट कब हुआ, बिफोर बर्थ। और ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है, ये चलता रहता है प्रोसेस ये। और जब तक फीमेल अपने मीनोपॉजल स्टेज में नहीं आ जाती, तब तक उजेनेसिस का प्रोसेस चलता रहता है। तो टाइम क्या है इसका, बिफोर बर्थ टिल मीनोपॉज, याद रखिएगा। ड्यूरेशन ऑफ उजेनेसिस क्या है बताओ, बिफोर बर्थ टिल टिल मीनोपॉज। अब मैं फिर से एक चीज बताऊँ आपको, तो ये तो मैंने कहा ये ओवरी का पूरा एक हिस्टोलॉजी कह सकते हैं आप, कि ओवरी एक काफ़ी छोटा सा स्ट्रक्चर है, आलमोंड शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं, है ना। और ये फीमेल के, ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो ये लोअर पेल्विक एरिया में यूट्रस के दोनों तरफ होता है। और इसके जो वॉल होते हैं, ओवेरियन वॉल, इसके बाहर की तरफ जर्मिनल एपिथेलिया का लेयर होता है, और इसके नीचे एक फाइब्रस लेयर है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और पूरा ओवरी का बीच का पार्ट ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के दो पार्ट्स हैं, पेरिफेरी की तरफ कॉर्टेक्स होता है, और सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं, मेडला कहा जाता है। मेडला में ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होता है। यहाँ किसी तरह के फॉलिकल्स नहीं मिलते, जितने भी ग्रोइंग स्टेज के फॉलिकल्स हैं ये सब कहाँ मिलेगा, ये कहाँ विजिबल होगा, कॉर्टेक्स के अंदर। समझ में आ गया। अब मैं, जैसे मैंने कहा, एज के हिसाब से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, कि बिफोर बर्थ टिल प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी, तो उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो देखिए यहाँ पर आप। जैसे अगर आप ऐसे डिस्टिंग्विश करें, जैसे बना सकते हैं आप देखिए, जैसे हमने लिखा यहां पर बिफोर बर्थ, या फिर बर्थ के बाद जो 9 month से लेके आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी। एक्चुअली ये एक, इसको आप जुवेनाइल फेज भी कहते हैं, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का जो फेज है। और फिर देखो प्यूबर्टी के बाद अगर मैं बात करूं, मिनाक मिनार जिसे कहते हैं, फर्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल टिल मीनोपॉज, तो ये मिनार जो होता है ये पहला मेस्ट्रुअल साइकिल है जो फीमेल्स में यूजुअली 11-12 साल से स्टार्ट हो जाता है। और मेनोपॉज का जो टाइम है दैट गोज अप टू 45 to 50 ईयर्स। मेनार्ज 11 to 12 ईयर्स लिखा जाता है। तो ये पूरा फेज बता दिया। देखो अब ये जो, ये तो जुबेनाइल फेज है, अगर मैं कहूँ कि ये बीच का फेज क्या हो गया, इसको जुबेनाइल फेज कहते हैं। और ये जो ड्यूरेशन है इसको बेसिकली रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। क्लियर? तो अगर आप देखें यहां पर कि बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले, तो बर्थ के पहले फीमेल्स के ओवरी के अंदर जो उसका, मान लो ये ओवेरियन मेडला है और बाहर ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, तो यहां पर आप देख पाएंगे काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर यहां देख पा रहे हो आप, इसी को कहते हैं
इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको, इसे प्राइमोडियल फॉलिकल कहा जाता है। और ये बिफोर बर्थ, याद रखना, गेस्टेशन पीरियड जो फीमेल्स का है, फीमेल फिटस का जो गेस्टेशन है, 2 to 7 month के अंदर, 2 to 7 month इन गेस्टेशन पीरियड ऑफ फीमेल फिटस, लगभग एक ओवरी में लगभग 2 मिलियन, 2 मिलियंस के आसपास क्या होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स फॉर्म कर जाते हैं। अब ये फॉलिकल्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा, मैं ये ब्रीफ जस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आपको, कि बर्थ के पहले ही एक ओवरी के अंदर लगभग 2 मिलियंस क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल्स, समझ में आ रहा है। और इसी स्टेज में बच्चे का, फीमेल जो जो बर्थ कहा जाता है, तो बर्थ के बाद फीमेल्स के बॉडी, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी तरह के फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर बर्थ के बाद ये जो 9 मंथ से लेके प्यूबर्टी तक का पूरा पूरा टाइम है, ये इसमें हुआ क्या एक्चुअली, तो याद रखिएगा कि अब जो ओवरी का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं बर्थ के बाद टिल प्यूबर्टी, तो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे अब अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल अगर कंपेयर करेंगे तो चेंज नज़र नहीं आएगा आपको, नंबर जरूर कम हो जाता है, हाँ कुछ चेंजेस हो जाते हैं सेल्स के साइज वगैरह में। नाउ दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंपली, इसे कहते हैं क्या, इसी को प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर अगर पूछा जाए कितना है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से, जैसा कि इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, कि एक ओवरी में लगभग 60,000 से, लगभग 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स के नंबर बसते हैं ईच ओवरी के अंदर, ठीक है। और फिर जब आप डिस्कस करें मेनार्क से लेके मीनोपॉज तक का जो फेज होता है, इसमें क्या हुआ, तो मैंने पहले भी कहा था कि नया कोई फॉलिकल तो बनना नहीं है, इसी फॉलिकल का फर्दर ग्रोथ होगा। और याद रखिएगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स अब जो यहाँ अवेलेबल है ओवरी के अंदर, कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स रेगुलर बेसिस पे, मेस्ट्रुअल साइकिल के समय रेगुलर बेसिस पे, पीरियोडिक टाइम पे कुछ नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। और ये हर मंथ होता है, देखो, सेकेंडरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है एक टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से ही बनता है ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जब आप इवेंट ऑफ ओवुलेशन बताते हैं, ओवुलेशन कहते हैं इसमें, तो ग्राफियन फॉलिकल से एक स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है, देखो, इसे कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट, ये चला जाता है फिलोपियन ट्यूब में। और जो पार्ट ओवरी का, ग्रेफियन फॉलिकल का जो पार्ट ओवरी में रह गया है ना, उसी को कहते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। ये कॉर्पस हेमरेजिकम फिर कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और अगर प्रेगनेंसी उस पर्टिकुलर मंथ में नहीं हुआ तो ये जो ल्यूटियम है ये फाइनली कन्वर्ट कर जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये पूरा पीरियोडिक जो प्रोसेस है, फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ उसी को मीनार कहा जाता है, मीनार्स कहते हैं इसको। और जब ये प्रोसेस एंड हुआ, उस एंड टाइम का नाम मेनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल से, रिप्रोडक्टिव जो इसका फेज है उसमें ये रिपीट होता रहेगा। केवल जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, अब प्रेगनेंसी के बाद 4 5 6 महीने तक आप कह सकते हैं ऐसे, कि ये रिपीटेशन नहीं होता है ना, ये याद रखिएगा। और तो मैंने कहा कि जो प्राइमोडियल फॉलिकल है इसी का ये पूरा आगे का आप ग्रोथ पाथ देख पा रहे हैं, प्राइमोडियल ही प्राइमरी बनता है, प्राइमरी सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्सरी बनता है, और टर्सरी से ग्राफियन
फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। और कहने का मतलब ये है कि नया फॉलिकल तो बना नहीं, और जिस समय ये सारे फॉलिकल्स यूज हो जाएंगे, या तो डिजनरेट कर जाएगा या यूज हो जाएगा। याद रखना, एक टर्म यूज करते हैं एट्रेसिया। क्या यूज करते हैं टर्म? एट्रेसिया। तो ये जो एट्रेसिया का टर्म यूज करते हैं, ये फॉलिकल के डिजनरेशन वाले पार्ट को कहा जाता है। याद रखना, द टर्म एट्रेसिया इज यूज फॉर द फॉलिकुलर डिजनरेशन जो रेगुलर बेसिस पे, इवन कहते हैं जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ओवरी के अंदर ही था, वहां भी डिजनरेट करता है ना, और बर्थ के बाद भी। आप देखिए, 2 मिलियन के आसपास अगर आप कह रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, और 60 से 80,000 तक ही फॉलिकल बचते हैं प्यूबर्टी तक, एट्रेसिया वहां भी हो रहा है। और जब मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी बन जाते हैं, वहां भी प्राइमरी डिजनरेट करता है ना। तो डिजनरेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो बर्थ के पहले स्टार्ट हो चुका होता है और मीनोपॉज तक चलता रहता है। और जिस समय सारे फॉलिकल्स खत्म हो गए, तो कहते हैं फीमेल्स में क्या आ गया, मीनोपॉजल स्टेज आ जाता है। तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ बर्थ के पहले, और प्रोसेस एंड कब हुआ? टिल मीनोपॉज। अब ये सब कुछ तो ओवरी के अंदर ही हो रहा है, तो अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल कैसे बना, इससे प्राइमरी कैसे बना, सेकेंडरी कैसे बना, टर्सरी कैसे बना, तो अगले वीडियो में मैं ये शेयर करूंगा आपसे कि कैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी बनता है, प्राइमरी का सेकेंडरी कैसे बनता है, सेकेंडरी का टर्सरी कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट इन ओवरी, ठीक है।